प्रियंका जी, आप उस प्रदेश में आई हैं जहां बेरोजगारी पूरे देश भर में नंबर वन है। अभी पलायन की बात हो रही थी, हमारी माताओं और बहनों ने कितने प्यार से अपने बच्चों को पाला पोसा है, और आज का नौजवान जो निराश चेहरे हैं इनके, इनमें हमें मुस्कुराहट लानी है। प्रियंका जी, आप उस प्रदेश में आए हैं जो सबसे भ्रष्ट प्रदेश है देश में। सही बात है, भ्रष्टाचार, आप सब यहां बैठे हैं, आप भ्रष्टाचार के शिकार हैं या भ्रष्टाचार के गवाह हैं? क्या हाल है भ्रष्टाचार का? पैसे दो, काम लो। 50 एकड़ जमीन है, पैसे दो और गरीबी रेखा में नाम लिखा लो। सही बात है, ये आज हालात भ्रष्टाचार के हैं। आज हमारा किसान, भटकता किसान, जो कभी खाद के लिए, कभी बीज के लिए, कभी सही मूल्य के लिए, प्रियंका जी आप उस प्रदेश में आए हैं। और अब तो मैं आपसे लंबी बात नहीं करना चाहता, आपसे ये कहना चाहता हूं, 32 दिन बचे हैं, 32 दिन बचे हैं जब चुनाव आएगा। 17 नवंबर को चुनाव है, ये किसी केवल उम्मीदवार का चुनाव नहीं है, ये केवल किसी पार्टी का चुनाव नहीं है, ये मध्य प्रदेश और मंडला के भविष्य का चुनाव है। और ये भविष्य सुरक्षित रखना, प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखना, मंडला का भविष्य, डिंडोरी का भविष्य सुरक्षित रखना आपके हाथ में है। याद रखिएगा, जो आप बटन 17 तारीख को दबाएंगे, आप किसी उम्मीदवार का केबल नहीं दबाएंगे, वो बटन जो आप दबाएंगे वो हमारे नौजवान, हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य दबाएंगे। ये बात आपको समझनी है। बहुत सारे गुमराह करने आए हैं। 18 साल शिवराज सिंह जी ने राज किया, मैं भी था मुख्यमंत्री 15 महीनों के लिए, 15 महीनों के लिए, जिसमें से 2.5 महीने तो लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में दे, 11.5 महीने में कांग्रेस की सरकार ने अपनी नीति और नियत का परिचय किया, एक शुरुआत करी। हमने जब कहा हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, हमने 27 लाख किसानों का कर्जा पूरे प्रदेश में पहले किश्त में माफ किया, और मंडला में 23,000 किसानों का कर्जा माफ किया हुआ, ये पहले किश्त में था। कौन सी गलती करी मैंने? मैंने कहा हम बिजली देंगे 100 यूनिट 100 रुपए में, मैंने बिजली दी। कौन सी गलती करी, कौन सा गुनाह किया मैंने? मैंने पेंशन बढ़ाई, मैंने विवाह के लिए पैसा दिया, कौन सा गलत काम मैंने किया? मैंने 1,000 गौशाले बनाए, कौन सा पाप मैंने किया? ये तस्वीर आप सबके सामने है, और शिवराज सिंह जी की सरकार की तस्वीर भी आपके सामने है। आज इतनी 13 सालों से चल रही है ये मंडला जबलपुर की सड़क, आज भी ये अधूरी है। यहां कोई रेल, सही रेल या सड़क की सुविधा नहीं है। मंडला की जो सड़क जबलपुर को जोड़ती है, कितनी महत्वपूर्ण है हमारे मंडला के लिए। आज हम नर्मदा के किनारे हैं, पर पेयजल की समस्या है, कितनी शर्म की बात है। नर्मदा के किनारे और पेयजल की समस्या, सरकारी कार्यालय मंडला में बंद होने लग गए, ये आप जानते हैं, आप गवाह हैं। हमारे बिजली का कारखाना, सिंचाई का मुख्यालय यहां से भेज दिया गया बाहर। ये तस्वीर आप सबके सामने है, और मैं तो ये कहूंगा कि शिवराज सिंह जी से एक प्रश्न पूछता हूं। शिवराज सिंह जी, आपने दिया क्या, आपने दिया क्या, मैं पूछना चाहता हूं। आपने महंगाई दी, आपने भ्रष्टाचार दिया, आपने बेरोजगारी दी। शिवराज सिंह जी, आपने तो घर घर में शराब दी, ये शिवराज सिंह जी ने। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।